साहस सरोकार। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके अतुलनीय योगदान को अभी नहीं भूल जा सकता। लखनऊ में निकाय निदेशक ने किया लेगेसी वेस्ट साइट का निरीक्षण, निदेशक ने बनाया प्लांट का रिवाइवल प्लान। बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिखा रोष। कानपुर में इरफान सोलंकी ने दी अग्रिम जमानत की अर्जी, प्लांट पर कब्जा करने का लगा था आरोप। कानपुर में दरोगा की आत्महत्या मामले में आया नया मोड़, महिला सिपाही को किया गया निलंबित। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। देश की धार्मिक राजधानी काशी में एक महीना तक आयोजित होने वाले काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। लखनऊ में स्थानीय निकाय निदेशक ने लेगेसी वेस्ट साइट का निरीक्षण किया। इस दौरान निदेशक ने शिवरी स्थित प्लांट का रिवाइवल प्लान बनाते हुए प्लांट को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किए जाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि प्लांट के संचालित होने के बाद उत्सर्जित कूड़े का प्रबंधन प्लांट के माध्यम से किया जा सकेगा। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां निकाय चुनाव के आते ही सभी दलों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं सभी पार्टियों में निकाय चुनाव के तहत जमकर आवेदन भी किए हैं। बता दें कि आरक्षण सीट की घोषणा के बाद ज्यादातर सभी पार्टियों में टिकट की दावेदारी बढ़ सकती है। वहीं प्राइम टीवी संवाददाता सुनीश तिवारी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा से खास बातचीत की। यूपी में अब नगर निकाय चुनाव सर पर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। वहीं सीतापुर की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी में कई भी दावेदार ऐसे जो हैं दावेदारी कर चुके हैं और अब जब आरक्षण सीट जब डिक्लेयर होगी सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा तब कई और भी दावेदारी हो सकती हैं। हमारे साथ इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे अभी तक कितने उम्मीदवार दावेदारी कर चुके हैं। कुल 11 निकाय जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करा दूं कि नगर निकाय चुनाव जो 8 जनवरी से पहले प्रस्तावित है उसके तहत हमारा पूरा संगठन पुरजोर तैयारियों में जुटा है। चाहे हमारी वार्ड की समितियाँ हों, चाहे बूथ संचालन समितियाँ हों, सब पर हम लोग कार्य करके वार्ड स्तर पर बैठके और बूथ स्तर पर संपर्क का अभियान चला रहे हैं। आपके मैं संज्ञान में डाल दूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पर चलने वाली पार्टी है। आपके संज्ञान में होगा कि एक विषय हर बार आता था कि आदर्श नगर नाले को लेकर। जी, जैसे ही हमने जिला पंचायत पे हम भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व तो हुआ, जिला पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने नाले के निर्माण को तेजी से करने का काम किया। उसका कार्य चल रहा है, कुछ समय उसमें लगेगा, उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। सीतापुर शहरी क्षेत्र में
जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। जब हमारा कब्जा नगर पालिका पर हो जाएगा तो एक प्रोजेक्ट तैयार करके हम लोग, क्योंकि शासन प्रशासन सब हमारे सहयोग में रहेगा, तो हम एक इस तरह का विकल्प बनाते हुए इस निकासी की समस्या को दूर करते हुए उन मोहल्लों को, जैसे खूबपुर है आपका, इस तरह के जो मोहल्ले हैं जहाँ पर जल निकासी की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसको दूर करने का काम निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जो सीट पर बैठेगा वो करने का काम करें। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी हर बार एक क्रेडिट लेती है कि हम अपने समय में ट्रामा सेंटर यहाँ पर लाए, लेकिन जिस स्थान पर वो ट्रामा सेंटर लेके गए हैं वो स्थान ट्रामा सेंटर खोलने के योग्य ही नहीं था, जिसके कारण आज तक वो पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाया है। मैंने भी ऊपर कई बार उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और सबको लिखा, तो जब पूरा विषय मेरे संज्ञान में आया तो भविष्य में वहाँ पर ट्रामा सेंटर खुलने की स्थिति बड़ी ना के बराबर है, लेकिन हम उसको एक CSC PSC के रूप में डेवलप करके उसको संचालित भविष्य में करने का जरूर काम करेंगे। और एक बड़ा ट्रामा सेंटर हाईवे के समीप, क्योंकि उस समय के जो नेता थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने अपने स्वयं के लाभ के लिए उस ट्रामा सेंटर को वहाँ भिजवाने का काम किया। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसको लेकर काफ़ी चिंतित भी रहते हैं कि हम लोग नए नए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें और जिससे आम जन को सुविधाएं मिलें, हम लोग सीतापुर जनपद में भी कुछ बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने का काम करें। तो ये थे बीजेपी जिला अध्यक्ष अतिन मेहरा जी, जिन्होंने निकाय चुनाव एवं कई समस्याओं के पर विस्तृत चर्चा की। कैमरा पर्सन अमिताभ मिश्रा के साथ सुनील तिवारी, प्राइम टीवी सीतापुर। खबर आगरा से है, जहां विश्व धरोहर सप्ताह को देखते हुए ACI ने विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन ताजमहल समेत देश के सभी ऐतिहासिक इमारतों में सैलानियों को निशुल्क प्रवेश का तोहफा दिया। वहीं पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा भी दर्ज किया गया। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। ASI ने पर्यटकों को एक बड़ा तोहफा भी दिया है, ताजमहल सहित अन्य इमारतों को निःशुल्क कर दिया है। यानी आज विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर को ताजमहल और अन्य इमारतें फ्री रहेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग विश्व धरोहर सप्ताह को मना रहे हैं और निःशुल्क जो ताजमहल और लाल किला है उसमें काफ़ी भीड़ भी आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये आगरा फोर्ट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आगरा फोर्ट का दीदार करने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ASI टीम की और पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन के भी यहाँ पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन और ASI टीम के कर्मचारी मौजूद हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम TV। कानपुर में डेंगू का कहर लगातार जारी है, तो वहीं वार्ड 2 की सालों से सफाई भी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की भी टीम यहां कभी नहीं आई, जिसके चलते वार्ड की हालत साफ सफाई के नाम पर जीरो है, जिसको देखते हुए वार्ड 2 के लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया है। लोगों का कहना है कि सुविधा नहीं तो वोट नहीं। कानपुर जो डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, और देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, नेता सुनने को तैयार नहीं है। सबकी देखा जाए कहीं ना कहीं जो कानपुर में महापौर की जो सीट अभी तक बनती चली आ रही है वो BJP का गढ़ रहा है कानपुर। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के दावे केवल कागजों में नजर आ रहे हैं, और बाकी जो जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। आपको बता दें, क्षेत्र में जो है वार्ड 2 है, यहाँ पर जो किसी तरह हर तरीके से जो बीमारी फैली हुई है, साफ सफाई नहीं होती है। और बताते हैं आप, पब्लिक जो यहाँ की, वो अपने जवान से बताइए आपको कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सुशीला भैया। सुशीला जी, बताइए कि जो वार्ड यहाँ पे आप 2 है, यहाँ पे जो नालियाँ नसीबर भरे हुए हैं, कूड़ा उठता नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सफाई चाहते हैं बेटा, सफाई होना चाहिए। कब से सफाई लगातार यहाँ पे नहीं हुई है? कभी नहीं हुई। हमको 20 साल हो गया, हमारे खिया हमारे बगल में नाला है, कभी नहीं सफाई भाई। मार बच्चे खूब मर रहे हैं, ना कोई विधायक ना कोई नेता। सब वोट के लिए आते हैं, सब वोट पा जाते हैं, अपना चल देते हैं। चाची, दोबारा फिर चुनाव आने वाला है। हाँ। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि आप फिर दोबारा वोट डालने जाएंगे? नहीं करें, नहीं वोट नहीं डाले जाएंगे। क्या नाम है आपका?
रामूर्ति यादव। रामूर्ति जी बताइए, किस जो क्षेत्र में जो चीज लार्वा फैला है डेंगू का और क्षेत्र में जो बीमार भी रहे हैं, कई बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, उसका देखा जाए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी जो टीम यहाँ पे आई कभी की नहीं आई, नहीं आई है क्या? उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो सफा सफाई नहीं हो रही है, इस पर कोई विधायक सांसद किसी अधिकारी को लेटर दिया हमने आज तक? नहीं, हमने लेटर नहीं दिया। कभी कोई सूचना दिया हमने किसी को? नहीं दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनूप यादव है। अनूप जी बताइए, किस तरीके से देखा है क्षेत्र जो वार्ड दो पड़ रहा है, ये वार्ड दो का जो चुनाव आ गया है नजदीक, और देखा जाए कहीं ना कहीं डेंगू प्रकोप जो देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, और देखा जाए कहीं ना कहीं सर्दी के टाइम समय जो है डेंगू फैलता नहीं है, उसके बावजूद फैल रहा है, ऐसा क्या? सर ऐसा है कि यहाँ पे जो नाले हैं पूरे भरे हुए हैं, गंदगी इतनी फैली हुई है, सिर्फ कागजों पे अधिकारी ओके कर देते हैं, कोई भी आईजीआरएस पोर्टल पे डाला जाता है उसको ओके कर दिया जाता है, कोई भी कूड़ा उठाने के लिए डाला जाता है तो सिर्फ आईजीआरएस पे ओके कर दिया जाता है, विधायक जी आते नहीं है, सांसद जी जब से जीते तब से किसी ने देखा नहीं होगा, इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए सांसद जी बोल गए थे मगर जब से जीते हैं तब से आए हुए नहीं है, और सांसद जी विधायक जी महापौर जी सब बीजेपी के हैं। देखा जाए माना जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सरकार भी है और बीजेपी का एक गढ़ रहा है कानपुर में, पर ये जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्या है रीजन? सिर्फ हवा हवाई, ये तानाशाह सरकार है, सिर्फ कागज पे ही कार्रवाई होती है, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सिर्फ आदमी गरीब आदमी परेशान है, ना उसको पानी मिल रहा है, इतनी गंदगी पड़ी है, पीछे लार्वा फैला हुआ है, नाला 10 साल से नहीं सफा हुआ होगा, किसी के पास जाओ तो कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, और कोई आने को तैयार नहीं होता, कोई अधिकारी, लार्वा फैला हुआ है, नाला 10 साल से नहीं सफा हुआ होगा, किसी के पास जाओ तो कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, और कोई आने को तैयार नहीं होता, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। अगर इसकी बात देखा जाए तो कहीं आपने किसी को अभी तक अधिकारी को डीएम को किसी को सूचना दी लिखित तौर पे? मैंने आईजीआरएस पोर्टल पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया, मैंने डीएम साहब को दिया, मैंने नगर आयुक्त महोदय को लेटर जारी किया, मगर उन्होंने सिर्फ कागजों पे ओके हो जाता है, साफ सफाई हो गई है, कूड़ा उठ गया, नाला सफा हो चुका है, मगर आपको दिखा दे कोई भी नाला नहीं सफा हुआ, हर आदमी परेशान है, डेंगू की बीमारी इतनी फैल चुकी है कुछ कहने को नहीं, हर आदमी दूसरों के घरों में सो रहा है जिसके घर में नाला भरा हुआ है। ये नगर निगम के निकाय चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में क्या दोबारा मतदान करेंगे कि बहिष्कार करते हैं चुनाव? पूर्णतया बहिष्कार करते हैं, वोट डालने कोई नहीं जाएगा, मेरी क्षेत्रीय जनता बिल्कुल बहिष्कार करती है ऐसे चुनाव का। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो मेयर नगर निगम का चुनाव है वो पूरी तरीके से लोग बहिष्कार करने को तैयार हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग की टीम है बड़ी लापरवाही नजर आती है। कैमरा पर्सन सुप्रकाशत, उपेंद्र साना, कानपुर। रायबरेली में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बहू साइबर ठगी का शिकार हो गई। बता दें कि प्रदेश सरकार के मंत्री की बहू के खाते से साइबर ठगों ने 30,000 की ऑनलाइन ठगी की है, तो वहीं शहर कोतवाली में अज्ञात ठगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक ने विश्व हिंदू सेवा दल में जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि कोटे के राशन के वितरण को लेकर गांव के ही कोटेदार से विवाद हुआ था, जिसके चलते विश्व हिंदू सेवा दल में जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है, तो वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस, SSP, SP सिटी ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद बदायूं के गिधौल ग्राम से 1.5 किलोमीटर पहले गिधौल निवासी प्रदीप कुमार, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, प्रदीप कुमार का शव आज प्रातः उनकी सफारी गाड़ी और वहीं पे सफारी गाड़ी के पास ही उनकी डेड बॉडी और तमंचा मौके से मिला है, और सर पे गोली के निशान है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने गोली मार करके हत्या की है, परिजनों से तहरीर ली जा रही है। सीतामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान की ओर से जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है, तो वहीं जिला जज संदीप जैन ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने के लिए बड़े ट्रैक्टर पर आग लगा दी, तो वहीं विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोर्ट में वारंट जारी किया है, जिसके बाद विधायक और उनके भाई की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दी गई है। अमेठी में दबंगों की दबंगई से परेशान पीड़ित महिला न्याय की आस में पुलिस के पास गई।
जिसके बाद अधीक्षक कार्यालय में महिला ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया है। यही नहीं, जब इस दौरान महिला ने जमीन पर कब्जे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने की बात कही तो दबंगों ने पीड़िता महिला और उसके परिवार वालों को मारने की कोशिश भी की, जिससे परेशान पीड़ित महिला ने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बाल ने बगल में मेरे घर के पास में इसी जगह के लिए मुझको सताता है, जब भी बोलते हैं उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गाली देता है गंदी, तो कुछ बोलते हैं तो 100 नंबर मिला देता है। 100 नंबर मिलाए के बाद जो 100 नंबर आता है तो उसको इधर उधर जो मुस्लिम है उसको बला बुलू के उसको दाब के उसका भेज दे जाता है, मसाला नहीं हो सकता। कितने दिन से आप परेशान हैं? परेशान तो बहुत दिन है, 30-40 साल हो चुके हैं, मगर 4 साल से कुछ ज़्यादा परेशानी, आदमी वहाँ है नहीं। अच्छा, अब बाप थाने पे शिकायत की आपने इसके लिए? हाँ। कानपुर में दरोगा अनूप सिंह की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है, तो वहीं अब फजलगंज थाने में तैनात महिला सिपाही पर FIR दर्ज हो गई है। साथ ही महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि अनूप सिंह और महिला सिपाही के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर महिला सिपाही दरोगा को ब्लैकमेल कर रही थी, तो वहीं ब्लैकमेलिंग के चलते ही दरोगा अनूप सिंह ने जहर खा लिया। यह प्रकरण अनूप सिंह के आत्महत्या से संबंधित है और उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने एक मुकदमा भी दिया है, हमने उस मुकदमे को दर्ज किया है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी सामाजिक माध्यमों में देखी गई जो कि एक पुलिसकर्मी के लिए, एक अनुशासित बल के सिपाही के लिए, हम सभी के लिए अनबिकमिंग बिहेवियर जैसा दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिजनौर में लापता एक मंदबुद्धि युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। बता दें कि युवक का शव कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बुखारा के कब्रिस्तान में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला करने के भी निशान पाए गए हैं। उधर मोहल्ले वासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आज ये हुआ है, यहाँ कब्रिस्तान में जो है जिसने भी लाश डाली है या मारा है ये ऊपर वाला जानता है। अब पुलिस आ गई है, मामले की जांच चल रही है, जो भी हो कार्रवाई होगी वो। क्या नाम? ये मोनिश नाम है इसका, ये कपड़े का काम करते थे इसके फादर और ये यहाँ किराए पे रहते हैं, मुजफ्फरनगर साइड के रहने वाले हैं, यहाँ रेंट पे रहते थे। अब पता नहीं, वैसे माइंड डिस्टर्ब है, जो भी है अब कार्रवाई जो शासन करेगा पुलिस करेगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के दनकौर तिराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही अधिकारियों के मौके पर ना पहुंचने पर चक्का जाम भी किया। साथ ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं में रोष है। साथ ही हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए श्रद्धा के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोंडा लखनऊ हाईवे और अन्य सड़कों के किनारे फुटपाथ पर भारी मात्रा में अवैध कब्जा दिखा। बता दें कि आए दिन अतिक्रमण की वजह से हादसे होते रहते हैं, जिसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेत रहे, तो वहीं जिले के कप्तान आकाश तोमर ने इस पर संज्ञान लिया। SP ने CO सिटी CO ट्रैफिक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद के एक शादी समारोह से वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो एक बैंक्वेट हॉल का है, जहां कारोबारी की बेटी की रिंग सेरेमनी में लाखों की चोरी हुई है। बैंक्वेट हॉल में चल रहे सगाई समारोह में नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग चोरी हो गया। पूरा मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र का है। फरुखाबाद शहर के निवासी समाज सेवी की स्मृति में मधुर
मिलन गेस्ट हाउस में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 84 हिंदू वर वधु ने एक दूसरे को जयमाला पहनाकर जीवन भर दाम्पत्य जीवन निभाने की कस्में खाई। तो वहीं एक मुस्लिम जोड़े ने भी निकाह करके एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। इस मौके पर पूर्व MLC मनोज अग्रवाल ने कहा कि प्रभु की असीम कृपा है जो ये कन्याएं मुझे कन्यादान करने का मौका दे रही हैं। पन्नी बार ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 85 बच्चों की शादी और निकाह था, आज निकाह था क्या है, अभी चल रहा है। क्या ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कई बरसों से? ये प्रेरणा हमारे स्वर्गीय पिता श्री मिशन स्वरूप जी की देन है। पहले हम लोग शादियाँ मतलब हमारी याद से कर रहे हैं, जब से हमारा बचपन के बाद हमें याद है, लेकिन अभी तक हम लोग करते थे उनके घरों पर, कहीं और पर, अपने प्लॉट पर, अपने बाग में ऐसे करते थे, एक दो करके करते थे। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद हमारे पिताजी ने कहा कि अगर तुम्हें अपना वार्षिक उत्सव करना है, जब एक वर्ष पूरा हुआ तो उन्होंने कहा करना ही अगर कोई काम है तो आप बच्चों की शादियां करो। ये इसलिए 2008 से प्रथम वर्षगांठ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम उनकी प्रेरणा से हुआ। प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।